प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम रेनबो क्लास 8 का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीरो। कैसे एक लड़का जो 9 साल का है हीरो बन जाता है अचानक से, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये स्टोरी है आपकी मलगुडी डेज, जो आर के नारायण की किताब है, उससे ली गई है। देखो इसमें क्या लिखा है। स्वामी इज ए 9 ईयर ओल्ड बॉय हु लिव्स इन मलगुडी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडमदर। जो स्वामी है, एक 9 साल का लड़का है, जो अपनी माता पिता और अपनी दादी के साथ मलगुडी विलेज में, गांव में रहता है। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फादर ने क्या कहा, स्वामी लिसन टू दिस ए न्यूज़ ऑफ ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger। तो इसमें यह बताया कि तो क्या हुआ, तो स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इस न्यूज़ को सुनो। ये एक बहादुर, एक गांव के बहादुर बच्चे की है, जो घर वापस आते हुए जंगल से एक टाइगर से रूबरू हुआ, और जब तक वहाँ कुछ लोग आए उसने उस टाइगर को मार दिया। ठीक है। आफ्टर रीडिंग इट थोरो, इसको पढ़ने के बाद फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क, उसने कहा, उनके पिता ने कहा, व्हाट डू यू से टू दैट, आप इसके बारे में आपका क्या विचार है। स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी जो लड़का है वो कहने लगा कि आई थिंक, मैं समझता हूँ वह बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और वयस्क पर्सन होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, वह बच्चा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, ठीक है, वह एक बड़ा आदमी होगा और बहुत ही ताकतवर होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक बच्चा कैसे टाइगर से लड़ सकता है। इसके बाद क्या हुआ, फादर ने क्या कहा, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि एक आदमी के पास भले ही हाथी की ताकत हो, यट बी ए कावर्ड, वह कावर्ड हो सकता है, वह कायर हो सकता है। वेयर एज अनदर पर्सन, और एक दूसरा आदमी है, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एस्ट्रा, जिसके पास हल्की सी ताकत होती है, एस्ट्रा माने तिनका जैसी ताकत होती है, बट हैज करेज, लेकिन वह करेज रखता है, साहस रखता है, कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास साहस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति, जैसे कि हाथी होता है, अगर उसके पास साहस नहीं है तो वह कायर हो सकता है, लेकिन एक पतला दुबला पतला व्यक्ति, अगर उसके पास साहस है तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी ने कहा, क्या कहा, स्वामी ने कहा कि सपोज आई हैव ऑल द करेज, अगर मेरे पास बहुत करेज है, व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक मी, और अगर मेरे ऊपर टाइगर आक्रमण करता है, चीता आक्रमण करता है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, ताकत, केवल ताकत की बात ना करें, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास करेज है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई रूम, चलो मैं देखता हूँ, अगर आज की रात मेरे ऑफिस में अकेले सोए। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड्स हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। और जो स्वामी लड़का था वो हमेशा कहाँ सोता था, अपनी दादी के पास सोता था, ग्रैनी माने दादी, और जो उसके पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। फिर क्या हुआ, स्वामी ने कहा, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने के पहले तारीख से शुरू करेंगे, आई विल स्लीप अलोन फादर, कि पिताजी अगला जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसकी पहली तारीख से शुरू करूँगा मैं आपके ऑफिस में सोना, ठीक है, अकेले सोना। फादर, नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, आपको ये आज से ही शुरू करना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। और वह शाम के समय क्या हुआ, स्वामी जो है अपनी दादी के पास गया और उसके कंबल में के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिता आए और कहा, क्या कहा, सेड टू हिम, और उसको कहा, फादर ने क्या क्या कहा, गेट अप, खड़े हो जाओ,
ग्रैनी, दादी क्या कहने लगी, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप इसको बच्चे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तंग क्यों कर रहे हो। फादर रोल इज बेड एंड टेक इट अंडर हिज आर्म, उसके पिता ने उसको बैग को उठाया, बेड को, और अपने टुक इट अंडर हिज आर्म और अपने बाजू में लेके चले गए। फादर कम विद मी, और पिताजी बोलने लगे कम मेरे साथ आओ, यानी कि उसके बेड को उन्होंने ले लिया, जो भी चादर वादर थी, जो भी सामान था, और फिर उसको कहने लगे कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी ने कहा लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, योर ऑफिस इज़ वेरी डर्टी डस्टी। स्वामी ने कहा कि मुझे इस हॉल में सोने दो प्लीज़, आपका जो ऑफिस है बहुत ही धूल से भरा हुआ है, डस्टी है। देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर ला बुक्स, और आपकी जो ला की किताब है उसके पीछे स्कॉर्पियंस माने बिच्छू भी हो सकते हैं। फादर ने क्या कहा, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। फादर ने कहा कि नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि अंधेरे से नहीं डरते, आपको ये सीखना पड़ेगा कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इट इज़ ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, और ये केवल आदत की बात है, आदत हो जाएगी तो आपको अंदर से डर नहीं लगेगा। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और उनके पिता कहने लगे कि आपको अच्छी अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए। एज द नाइट एडवांस, और जैसे रात बढ़ती चली गई, द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, जो शांत था वो साइलेंस था जो, वो घर में जो है और गहराता गया। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, और स्वामी की जो हार्ट बीट थी वो धड़कने जो है वो बढ़ने लगी। He remember all the stories of devils and ghosts he had heard in his life, और वह उस सारी कहानी को याद करने लगा जो उसकी दादी अम्मा ने उनको बचपन में सुनाई थी। He shut his eyes tight, उसने अपनी आँखों को टाइट से बंद कर लिया। Covered himself with his blanket under the bench, और अपने आप को ब्लैंकेट से ढंग से कवर कर लिया और बेंच के नीचे चले गए। He put his hand out to feel Granny's presence at his side, और उन्होंने एक हाथ को कंबल से बाहर निकाल लिया ताकि उनको ऐसा फील हो कि जैसे वो अपनी दादी अम्मा के पास ही सो रहे हो, उनकी उपस्थिति, Granny's presence मतलब उनकी उपस्थिति उनको महसूस हो, फील हो। As it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. It was his habit, जैसे कि उसकी आदत थी, अपनी दादी अम्मा के पास सोता था और उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता था, तो उसने ऐसे ही किया। लेकिन क्या हुआ, बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने बेंच का केवल जो लेग होता है लकड़ी वाला लेग, उसको ही टच किया था, और ऐसा फील कर रहा था कि जैसे वो अपनी दादी अम्मा के पास हो रहा हो और उसके ऊपर अपना हाथ टच कर रहा हो। ही स्वेटेड विद फ्राइट, स्वेटेड माने हैं पसीना पसीना होना, और फ्राइट माने डर से, डर के मारे वह पसीना पसीना हो गया। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी धीरे धीरे डर करके बेंच के किनारे की तरफ मूव करा, चला गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वह अंधेरे को देख रहा था, अंधेरे में गौर से देख रहा था। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कोई चीज़ नीचे नीचे चल के आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एज इट केम नियरर, और जैसे ये और नज़दीक आई, थिंक इट ए घोस्ट, उसने सोचा कि ये घोस्ट है, भूत है। ही क्रोल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, क्रोल माने है रेंगना, वह रेंग करके बेंच के नीचे से आया। एंड हग्ड इट विद हिज माइट, और माइट माने शक्ति, और उसने पूरी शक्ति से उसको पकड़ लिया। हग मतलब गले लगना भी होता है, हग मतलब पकड़ना भी है यहाँ, तो हग डिट विद ऑल हिज माइट, उसने पूरी शक्ति के साथ उसको पकड़ लिया। ही यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वेपन, और उसने अपने दांतों को उसके ऊपर वेपन की तरह यूज किया, यानी कि दांतों से उसको काटा। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, और जो प्राणी था, येल आउट मतलब जोर से चिल्लाया, इन पेन माने दर्द के मारे, जैसे उसने इसको काटा तो वह दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाया। इन ए मोमेंट हिज फादर द कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, कुछ इन ए मोमेंट मैंने कुछ ही क्षण में उसके पिताजी और एक कुक खाना बनाने वाला और एक नौकर लाइट को लेकर के उधर आए, रोशनी लेकर के। ऑल थ्री फेल ऑन द बर्गर
burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. Three fell. Fell माने गिरना on the burglar. वे तीनों के तीनों जो है चोर के ऊपर गिर गए. Who lay amidst the furniture, जो फर्नीचर के बीच में लेटे हुए थे. ले माने लेटना. With a bleeding ankle, और जिनके पैर से खून निकल रहा था. The father called the police. उनके पिताजी ने, स्वामी के पिताजी ने जो है पुलिस को बुलाया. The police was grateful to Swami. और पुलिस जो है स्वामी की बहुत कृतज्ञ थी. एज ही हैड कोट द नोटोरियस थीफ, क्योंकि उसने एक बहुत ही कुख्यात चोर को पकड़ा था. नेक्स्ट डे इन द स्कूल, स्वामीज क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. और अगले दिन जब वो स्कूल में गया तो उनके क्लास फेलो थे, क्लासमेट मतलब क्लास फेलो थे जो साथी थे, उन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बधाई दी. और उसके बाद लुक एट हिम विद रेस्पेक्ट, और उसके बाद उसको जो है बड़े आदर से देखने लगे या बड़े आदर के साथ उसके साथ व्यवहार करने लगे. द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट. और हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी जो है वो एक ट्रू स्काउट था, एक सच्चा पहरेदार था. द न्यूज ऑफ द ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मलगुडी टाइम्स. और ये न्यूज़ भी मलगुडी टाइम्स में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई. दिस स्टोरी इज एडेप्टेड फ्रॉम द मलगुडी डेज बाई आर के नारायण. और जो आर के नारायण ने ये किताब लिखी थी मलगुडी डेज, उसके उसमें से ये लिया गया है. तो ये बच्चों आपका एक चैप्टर हो गया, कैसे एक बच्चा अचानक हीरो बन जाता है, उसकी कहानी को बताया. तो इसलिए प्यारे बच्चों आपके अंदर भी साहस होना चाहिए. शक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है साहस, कोई काम करने का जज्बा. अगर ये आपके अंदर है तो आप ज़रूर निश्चित रूप से सफल होंगे. धन्यवाद.